इस कलिकाल में महान कलिकाल का सार महामंत्र जिस महामंत्र के जाप से तकदीर बदल जाती है, जिस महामंत्र के जाप से दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य में बदल जाती हैं, सजनों ये महामंत्र है और इसे जीवन में हमने आपने सबने हजारों बार बोला होगा। और ये महामंत्र वेद से लिया गया मंत्र है, ये ऐसा वैसा कोई साधारण मंत्र नहीं है। मंत्र महामणि विषय व्यान के मेटत कठिन कुअंक भार के। मंत्र महामणि ये महावाक्य ये महामंत्र वैसे इस मंत्र का अर्थ क्या है बोला तो बहुत बार है हमने, और ये शुरू कहां से होता है, हरे राम से शुरू होता है या हरे कृष्ण से शुरू होता है। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, मन किया वहीं से शुरू कर दिया। तो राधा रानी का पीला कलर पीला रंग कन्हैया के नीले रंग में मिल गया। अब पीला और नीला मिलेगा तो हरा बन जाएगा। अब तो भगवान काले भी नहीं रहे नीले भी नहीं रहे, अब तो हरे बन गए। बोले अब ठीक है। हरे कृष्णा अब तो हरे हो गए। भक्तों के विनोद की बात है, भक्तों की ठाकुर के साथ ठिठोली है, लेकिन वास्तव में हरे का मतलब क्या है ये वैदिक मंत्र है। और वेद के मंत्र को यदि जनेऊ धारण न किया हो तो वेद के मंत्र को नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं है, जब तक आपने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, तब तक आप वेद मंत्र को पाठ नहीं कर सकते, वेद मंत्र को नहीं पढ़ सकते। और ये तो वेद मंत्र है, भैया हम इस मंत्र को हम सब लोग कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन जन के कल्याण करने के लिए इस मंत्र को सहज बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने मंत्र को उल्टा कर दिया। पहले राम से बोलते थे लेकिन अब कृष्ण से बोलने लगे। अब शुरुआत कृष्ण से हो गई, और जब शुरुआत कृष्ण से हो गई तो सहज हो गया मंत्र, कोई भी बोले। लेकिन हरे का मतलब क्या है, बोले हरे अर्थात हरे हरेति कृष्णस्य मनः। हरे किसे बोलते हैं, बोले हरेति कृष्णस्य मनः, हरेति रामस्य मनः,
जो राम के मन का हरण कर ले, जो कृष्ण के मन का हरण कर ले, उसका नाम है हरे। हरे हरे ते कृष्ण शमनः इति हरा संबोधने हरे। संस्कृत में जब रूप चलते हैं, भक्तियां बनती हैं, तो शब्द बदल जाता है। हरे ते कृष्ण शमनः इति हरा, शब्द तो बना हरा, लेकिन जब पुकारा तो क्या हो गया, हे हरे। तो राधा रानी कृष्ण के मन का हरण करने वाली है, और जानकी जी राम जी के मन का हरण करने वाली है। और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है। महाप्रभु ने एक मंत्र और प्रकट कर दिया इस मंत्र से, जो मंत्र का वास्तविक अर्थ है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। जो परमात्मा के मन को भी भाव से ग्रहण कर ले, जो कृष्ण के मन का भी हरण कर ले, वो हरा वो हरे वो है किशोरी राधा रानी। इसलिए हम सब लोग गाते हैं, इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे रुक्मिणी महारानी का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ में हुआ। देखिए विवाह भी एक संस्कार है, और हमारे जीवन में संस्कारों की बहुत बड़ी महत्वता है। प्राचीन इतिहास के अनुसार 64 संस्कार हुआ करते थे, जिसमें से 32 हो गए, 32 से घट करके वो केवल 16 संस्कार हो गए। प्रमुख जो संस्कार थे वो संस्कार बचे, बाकी के लुप्त हो गए। लेकिन आज हमारे अंदर कितने संस्कार बचे हैं? आज हम कौन से संस्कार को मानते हैं, उसकी महत्वता को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में संस्कारों की महत्वता क्या है। अगर मानव के संस्कार होते हैं तो उन संस्कारों की शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब ये जीव पैदा भी नहीं होता, उससे पहले गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक मुख्य रूप से 16 संस्कार होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गर्भाधान से लेकर के, गर्भाधान का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्या हम वास्तव में सही संस्कारों के द्वारा अपने मार्ग को, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? एक नियत समय पर, एक नियत तिथि में, एक नियत मुहूर्त में गर्भाधान करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब ये जीव पहली बार गर्भ में प्रवेश करता है और रजो वैरम च पंचमम, रज कण जब मिलकर के एक अंडे का निर्माण करते हैं, वो समय वो क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जन्म लेने वाली संतान कैसी होगी, उसकी स्वभाव कैसे होंगे, उसके उसकी क्रियाएं कैसी होंगी, उसके हाव भाव चाल चलन, उसका चरित्र कैसा होगा,
ये उसके गर्भाधान के मुहूर्त पर निर्भर करता है। शास्त्र का उदाहरण है, दिति और कश्यप। दिति ने संध्या के समय, जो संध्या का समय होता है, उस संध्या के समय में गर्भाधान किया, गर्भधारण किया। और जानते हैं उस मुहूर्त के गर्भाधान का प्रभाव क्या हुआ? कि एक महात्मा की संतान असुर हो गई, महात्मा की संतान असुर हो गई। जिस गर्भ से संस्कारी बालक जन्म लेने चाहिए थे, उस गर्भ से दो असुरों ने जन्म लिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये असमय गर्भधारण करने का ही परिणाम है। कभी कभी आपने देखा होगा, माता पिता तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन संतान बड़ी कुलक्षण निकल गई, संतान बड़ी बुरी निकल गई, संतान संस्कार विहीन, संस्कार नहीं है उसके अंदर, वो धर्मद्रोही है, वो शास्त्रद्रोही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जन्मजात संस्कार ठीक प्रकार से नहीं हुए। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक हर संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नामकरण हो, जात कर्म संस्कार हो, क्योंकि ये संस्कार ही मानव को मानव बनाते हैं, संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि ये ब्राह्मण है, संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि ये क्षत्रिय है, संस्कार ही निर्धारित करते हैं ये वैश्य है, और संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि ये शूद्र है। शास्त्रोक्त वाक्य है कि जन्मना जायते हैं शूद्र संस्कारात् तुजुच्यते। किसी के घर में भी बालक जब जन्म लेता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो सबके घर में बालक के जन्म लेते ही अशुद्धि हो जाती है। होती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण के घर नहीं होती हो, क्षत्रिय के घर नहीं होती हो, हर व्यक्ति के यहां पर अशुद्धि हो जाती है। वो क्या है? जब पूजा नहीं करते, जब हम मंदिर नहीं जाते, जब हम भगवान का स्पर्श नहीं करते, जब हम मंगल मंदिर में प्रवेश नहीं करते। जन्मना जायते हैं शूद्र, बोले प्रत्येक बच्चा इस पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, किसी भी वर्ण में जन्म लेता है, तो वो एक शूद्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि उस समय वो संस्कार विहीन होता है। संस्कारात् दुज उच्यते, जब उसके हो जाते हैं संस्कार, जब उसका नामकरण हो जाता है, जब उसका जात कर्म संस्कार हो जाता है, जब उसका यज्ञोपवीत हो जाता है, तो जीवन के किए हुए संस्कारों के कारण ही वो ब्राह्मण कहलाता है, वो क्षत्रिय कहलाता है, संस्कारों के आधार पर ही वो वैश्य कहलाता है। केवल ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया हो और संस्कार ना हो, क्या वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है? कुल तो ब्राह्मण का है, लेकिन क्रिया अच्छी नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, खान पान आहार विहार नित्य शुद्धि नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरी नजर में वो पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। संस्कारों की महत्ता है इस जीवन में। तुम रोज दारू पियो, रोज उल्टा सीधा खाओ पियो, और फिर कहो हम पंडित हैं, फिर कहो हम ऐसे हैं, फिर कहो हम भले आदमी हैं, फिर कहो हम संस्कारी हैं, अरे किसी मतलब के नहीं हो तुम। अगर संस्कार नहीं है, संस्कारों की ताकत, उनकी शक्ति हमें मिलती है।
जनेऊ जब धारण करते हैं उसमें तीन धागे होते हैं और प्रत्येक धागे में तीन धागे होते हैं, नौ धागे, और प्रत्येक तार में, प्रत्येक तार में, प्रत्येक सूत में एक देवता की प्रतिष्ठा होती है। यज्ञोपवीत धारण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, यज्ञोपवीत धारण करने से भूलोक के देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, यज्ञोपवीत धारण करने से भुवन लोक के देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हमारे पंचदेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। अरे इतने सारे देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ में अगर एक यज्ञोपवीत धारण करने से मिलता है तो क्यों न लिया जाए, वो लाभ क्यों न लिया जाए। लेकिन बड़ा दुख होता है यह देख करके कि वो संस्कार हमारे अंदर से चले जा रहे हैं। यहां तो लोगों को माथे पर तिलक और चंदन लगाने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, माथे पर तिलक लगा लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर चुटिया रख ली तो लोग क्या कहेंगे, जनेऊ पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम धोती कुर्ता पहन के निकल गए तो लोग क्या कहेंगे। आज किसी युवा व्यक्ति से, बच्चे से कहा जाए कि तू धोती कुर्ता पहन करके जरा एक बार गांव में घूम के आ तो वो मारे शर्म के जाएगा नहीं। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे तुम आज अंग्रेज बन गए हो, तुम सदा से ऐसे ही थे क्या, तुम्हारे बाप दादा मर गए धोती कुर्ता पहन पहन के और तुम आज पैंट पहनने लग गए तो तुम्हें शर्म आती है। भारतीय परिधान हमेशा से पवित्र कहा गया है। शारीरिक रूप से कितनी सारी बीमारियों को हमारा भारतीय परिधान बचा लेता है, अशुद्धि से बचाता है, अपवित्रता से बचाता है और हमें याद दिलाता है कि हम ऋषि मुनि मुनियों के संतान हैं। धिक्कार है हमें, हमें फिर भी शर्म आती है। हमारे संस्कार क्या है, आज हमें माथे पर चंदन तिलक लगाने में शर्म आती है, लेकिन विज्ञान ने भी इस बात को माना है कि माथे पर अगर चंदन लगाओ, तिलक लगाओ तो बहुत सारे बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है अपने आप को। माथे पर तिलक लगाओ तो बुरे विचार अंदर प्रवेश नहीं करते, माथे पर तिलक लगाओ तो यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है माथे के बीच में। माताओं को भी बिंदी लगाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो इसीलिए हुई, क्यों लगाती है माताएं बिंदियां, अच्छी लगती है इसलिए नहीं, ये भी हमारी संस्कृति और संस्कार में सम्मिलित है। स्त्री का स्वभावतः मन चंचल कहा गया है कि स्त्री का मन ज्यादा चंचल होता है, इसलिए परमानेंट हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने यह प्रक्रिया बना दी कि माताएं कुंकुम की बिंदी लगाएं। आज कुंकुम की बिंदी तो हमने छोड़ दी, लेकिन आर्टिफिशियल जो बिंदी आती है वही लगाना शुरू कर दिया। बिंदी को गोल बनाया गया क्योंकि टीका भी बिंदी भी गोल लगाई जाती है और यहां हमारे माथे के बीच में जो स्थान है वो हमारे पूरे शरीर को, पूरे शरीर की एनर्जी को, पूरे शरीर की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल रूम यहां है। किसी के माथे पर आप उंगली को ऐसे थोड़ा सा करके रखिएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि माथा झनझनाने लग जाता है, वाइब्रेशन उसके अंदर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सारा कंट्रोल रूम यहां पर है। वो जहां से सारी चीजों को कंट्रोल करता है उसके सामने अगर कुछ अड़ जाए तो वो कंट्रोल करना बंद कर देता है। लेकिन कुमकुम, टीका, चंदन, ये हमारे पूरे मस्तिष्क को ठंडा रखता है,
ये बचाता है दुष्प्रभावों से। और साधारण अगर दृष्टि में भी अगर देखूं, माथे पर चंदन लगा होगा तो आपको बुरा काम करने में शर्म आएगी, थोड़ी लज्जा आएगी कि माथे पर चंदन लगाए, हमने भारतीय परिधान धोती कुर्ता पहना है, भैया हमें इसकी इज्जत रखनी है, इसकी लाज रखनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे इस भेष का अपमान हो जाए, कोई भी ऐसा बुरा कर्म हमें नहीं करना है, किसी भी ऐसे बुरे मार्ग पर पैर नहीं रखना है जिससे कि हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों पर उंगली उठ जाए। अरे कितने सारे बुरी चीजों से तुम्हें हमारी संस्कृति हमारे संस्कार बचाते हैं, और उसके बाद में भी अगर कोई इसको धारणा न करे तो मैं समझता हूं दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। विवाह, विवाह भी एक संस्कार है। यूं तो विवाह के छह प्रकार कहे गए हैं कि छह प्रकार से विवाह होता है, जैसे गंधर्व विवाह, भूत विवाह, देव विवाह, जो हमारे मध्य में होता है वो है वैदिक विवाह, क्योंकि ये वैदिक रीति से संपन्न किया जाता है, लेकिन हम वैदिक रीति तो भूल ही गए। पंडित जी पूजा कराने आते हैं ना तो कान में कह देते, पंडित जी टाइम कम है, थोड़ा शॉर्ट में कर लो जल्दी जल्दी से, सब काम में खूब टाइम लगाएंगे, बारात निकालने में, बैंड बाजे के सामने नाचने गाने में, झूमने में खूब टाइम निकालेंगे, लेकिन जब वैदिक मंत्रों की बारी आए, जब पंडित के मंत्र पढ़ने की बारी आए तो हम कहते हैं पंडित जी जरा जल्दी जल्दी कर लो। और लोगों ने तो आजकल शादी में भैया पंडित का काम ही खत्म कर दिया, जरूरत ही नहीं यज्ञ वेदी बनाने की, बोले कोर्ट में जाओ दो साइन मारो और हो गई शादी। क्या वास्तव में वो संस्कार है? क्या वास्तव में वो शादी है? वो तो एक एग्रीमेंट है, शादी नहीं है, वो एक समझौता है। लेकिन संस्कार तो संस्कारों के जैसे ही संपन्न करने चाहिए। वैदिक विवाह में होने वाली समस्त क्रियाएं, कर्मकांड में होने वाली समस्त क्रियाएं हमारे जीवन का आधार है। कन्या को पहली बार दुल्हन के लिबास में जब सजाया जाता है, वर पक्ष के द्वारा प्रदान करी गई चूड़ियां, ध्यान देना मेरी बात का, वर पक्ष के द्वारा प्रदान की गई चूड़ियां, वर पक्ष के द्वारा लाई गई पायल, वर पक्ष के द्वारा लाया गया मंगल सूत्र उस कन्या के गले में धारण कराया जाता है। क्यों पहनते हैं चूड़ियां? क्यों पहनते हैं पायल? क्यों पहनते हैं मंगल सूत्र? क्या मतलब है इसका? केवल अच्छे लगे हम इसलिए? केवल सुंदरता के लिए? नहीं, केवल सुंदरता नहीं, आधार है इसका, वैज्ञानिक आधार भी है और सांसारिक आधार भी है। पायल पहनने से पैर में एक विशेष प्रकार की नस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण उस स्त्री का मन केंद्रित हो जाता है, उस स्त्री का मन भटकना समाप्त हो जाता है। हाथ में कलावा जैसे बांधते हैं स्त्रियों को, शादीशुदा जो स्त्री है उनको बाएं हाथ में बांधना होता है, पुरुषों के दाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। कलावा बांधने से भी हमारे शरीर का जो रक्त संचार है वो ठीक रहता है, रक्त की धमनियां सही काम करती हैं। चूड़ियां हाथ में पहनी जाती हैं, पायल हाथ में पहनी जाती है, मंगल सूत्र ये क्या है? देखिए, जब किसी कैदी को जेल में बंद किया जाता है ना, कैदी बड़ा खूंखार हो तो क्या करते हैं, उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं, पैरों में बेड़ी पहना देते हैं, ताकि वो कहीं भाग ना सके, वो एक जगह टिक जाए। ये चूड़ियां, ये पायल भी एक तरह की बेड़ी ही है, एक तरह की हथकड़ी है,
जो समाज के द्वारा बांध दी जाती है कि अब तुम एक जगह के लिए बंध गए हो, अब अपने आप का ध्यान रखना होगा, अब तुम अपने मन को कंट्रोल करके रखना होगा, तुम्हारे पैरों में मर्यादा की बेड़ियां पड़ गई हैं, अब तुम्हें अपने घर से जब निकलना होगा तो सोच समझ के निकलना होगा, बिना पति की बिना परिवार की आज्ञा के तुम अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं भाग सकते, तुम्हें अगर कहीं जाना होगा तो पहले उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। प्रभु श्री कृष्ण ने रुक्मिणी महारानी को सिंदूर अर्पित किया, हर चीज का अर्थ है। कन्यादान आप लोगों ने कल कन्यादान किया, क्या है कन्यादान, क्या मतलब होता है कन्यादान का? कन्यादान कोई साधारण दान नहीं है, कन्यादान तो बहुत बड़ा दान है। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसे देखें तो कन्यादान है ममता का त्याग, पिता की मां की सबसे ज्यादा ममता कहां होती है? सबसे ज्यादा माता पिता की ममता होती है उनकी पुत्री में, उनकी बेटी में। जिस बेटी को तुमने पैदा किया, जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, जिसको पढ़ाया लिखाया संस्कार दिए, जिसको बड़ा कर दिया।